दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा चर्चित सीट नंदीग्राम लगातार चर्चा में अभी भी बनी हुई है। नंदीग्राम में जिस तरह से चुनाव आयोग ने काउंटिंग की, उसके बाद ईवीएम का सर्वर डाउन हुआ, ये सारी चीजें अभी भी संदेह के घेरे में हैं। और अभी तक आगे रिकाउंटिंग होगी या नहीं होगी ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन नंदीग्राम सीट पर होने वाली रिकाउंटिंग से पहले चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन पर एक बड़ा एक्शन लेते हुए कहीं ना कहीं बड़ा फैसला लिया है। हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको भी लगता है कि नंदीग्राम सीट पर रिकाउंटिंग होनी चाहिए ताकि एग्जैक्ट ये पता हो सके कि सर्वर डाउन होने की वजह से शुभेंदु अधिकारी जीते हैं या फिर जनता ने उनको जिताया है, या फिर ममता बनर्जी सर्वर डाउन होने की वजह से हारी है या जनता ने उनको हराया है, अगर आप मेरी इस राय से सहमत है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सबसे पहले तो आपको एक खबर हम दिखा रहे हैं, आप इस खबर को देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान सुर्खियों में रहे नंदीग्राम को लेकर के चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने नंदीग्राम की ईवीएम मशीनों को अपनी कस्टडी में ले लिया है। दरअसल इससे पहले भी मैंने इस खबर के बारे में आप लोगों को बताया था, लेकिन बहुत सारे लोग ये बता रहे थे कि ऐसा नहीं है, इसलिए फिर से वीडियो क्रिएट करके आप लोगों को बताना पड़ा है। अब मैं सोर्स के साथ, पुख्ता सबूत के साथ आपके साथ ये खबर शेयर करूं, आप देख सकते हैं। अब बताया जा रहा है कि ईवीएम मशीन जो नंदीग्राम की है उसको चुनाव आयोग ने अपनी कस्टडी में लिया है, और इसके पीछे की वजह उन्होंने ये बताई है कि जुडिशियल प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ईवीएम को नंदीग्राम से हटाकर सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। बताते कि विधानसभा चुनाव के दौरान नंदीग्राम से सीएम ममता बनर्जी बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से पराजित हुई थी, लेकिन ममता बनर्जी ने नंदीग्राम की मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट में जाने की बात कही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी की उस मांग को बर्खास्त कर दिया था, खारिज कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रिकाउंटिंग चुनाव आयोग करवाए, क्योंकि आरओ के अंडर में ये सारी चीजें होती है। आरओ ने कह दिया था कि हम ये सब नहीं करा सकते, जिसकी वजह से मामला कोर्ट में पेंडिंग है। उससे पहले चुनाव आयोग ने सभी के सभी ईवीएम को अपने अंडर में लेकर के जुडिशियल प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए अपने अलग स्ट्रांग रूम में ले जाकर के रखा है। अब अलग स्ट्रांग रूम में इसकी फिर से चुनाव यानी कि रिकाउंटिंग होगी या फिर इसमें जांच की जाएगी कि इसमें क्या कुछ हुआ होगा, ये चुनाव आयोग को ही पता है। आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।